हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल गाइज। एंड येस, आई विल बी वॉचिंग अ टीजर ऑफ एन अपकमिंग हिंदी फिल्म। तो ये सीक्वल है एक बहुत ही पॉपुलर हिंदी फिल्म का, OMG। सो दिस इज़ OMG 2, एंड फर्स्ट वन आई रिमेंबर जब मैं स्कूल में थी तब ये रिलीज हुई थी। एंड लाइक मी एंड माई फ्रेंड्स, वी वेंट टू द फिल्म विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बट हम सबको बहुत अच्छी लगी थी। एंड वो द फर्स्ट वन वॉज सॉर्ट ऑफ एन अडेप्टेशन एक गुजराती प्ले का, जहाँ तक मुझे पता है एक गुजराती प्ले का एक अडेप्टेशन था। तो आई डोंट नो इफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी हैज़ बिन अडेप्टेड फ्रॉम एनी अदर स्टोरी और नॉट। सो येस, आई होप कि ये उससे भी बेटर हो पहली वाली से, या एटलीस्ट उस लेवल की तो हो। सो अलॉन्ग विद अक्षय कुमार, हु वॉज ऑल्सो देयर इन द फर्स्ट वन, वी हैव पंकज त्रिपाठी एंड यामी गौतम, टू रियली गुड एक्टर्स। मूवी इज रिलीजिंग ऑन 11th August, एंड येस, लेट अस वॉच दिस टीजर राइट नाउ। ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है, पर भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करता। Yes, I remember the scene. फिर चाहे वो नास्तिक कांजीलाल मेहता हो या फिर आस्तिक कांति शरण मुदगल, और तकलीफ में लगाई हुई पुकार उसे हमेशा अपने बंदों तक खींच ही लाती है। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। रख विश्वास, तू है शिव का दास। हर हर। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। कोर्ट केस है। ये गाना रिलीज हुआ है क्या? बीट्स आर रियली गुड। Yes, हर हर महादेव। Oh wow, this is not bad. I really liked it. That was so nice, that scene when Akshay Kumar walks out, जब वो निकलते हैं और फिर नंदी बैल पीछे पीछे। Oh wow, what a great representation. I loved it. और क्योंकि मुझे पहली वाली मूवी इतनी ज़्यादा पसंद है, और मुझे ही नहीं मेरे दोस्तों को, मतलब मेरे सर्कल में, oh my god, जितनों ने भी देखी है सबको वो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मतलब अभी भी दिखा लो तो उस मूवी की जो रिपीट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई होप कि ये वाली मूवी भी इसका जो कंटेंट है उतना ही दमदार हो जितना फर्स्ट का था, बिकॉज द फर्स्ट वन इज रियली क्लोज टू माई हार्ट, द इम्पैक्ट इट क्रिएटेड इन मी। देर आर सर्टन मूवीज जो आप स्कूल टाइम में देखते हो जो एकदम एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाती है, एंड ओ माई गॉड वॉज वन ऑफ दैट फिल्म। सो आई विल ऑफकोर्स वॉच दिस विद दैट नॉस्टैल्जिया फैक्टर। और जब उसमें परेश रावल जी को दिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एंड आई लाइक द फैक्ट कि इस वाले में, यू नो, परेश रावल के केस में ही वॉज एन एथीस्ट, बट यहाँ पे वो पूरे विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा करते हैं, पंकज त्रिपाठी के जो कैरेक्टर है। सो द डिफरेंस, द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कैरेक्टर also makes it very interesting कि second वाले में, because पहले वाले में तो you know the कृष्ण भगवान जो थे वो थे उनके साथ, but he had to, वो नास्तिक से आस्तिक में बदले, but यहाँ पे तो वो already आस्तिक है, जो main character है यहाँ पे already आस्तिक है। तो क्या journey होगी इस character की, I am very very excited to find out। And the song, जो ये हर हर महादेव, जो ये beat और ये जो गाना बज रहा था background में, I loved it, I absolutely loved it. Overall, this was a really good teaser. I cannot wait for the trailer, and I hope ki trailer mein I don't want them to reveal the storyline, because I can see ki yahan pe bhi police involved hai, there is a court case which is going on same as it was in the first one, so isme bhi ek court case hai. Ek scene tha jahan pe wo ek ladka train ke samne aa jata hai, so I don't know if it's like a suicide thing or I don't know, something or the other is related to maybe that boy jo shayad unke bete hote hai Pankaj Tripathi ke, so I think it's all related to his son over here and how his belief in God kind of makes him go through this trial or ye journey, aur unko strength milti hai aur fir wo ye court case ladte hain, aisa mota mota lag raha hai mujhe kahani hogi. So all of it, Akshay Kumar also looks good, and I am very happy to see him
क्योंकि अक्षय कुमार की वो एक मीम ही बन गया था उनके ऊपर कि एक के बाद एक बस वो साल में 42 days में एक मूवी खत्म कर देते हैं. सो इतनी सारी उनकी मूवीज आती है. सो बट नाउ वी आर गेटिंग हिम आफ्टर अ सिग्निफिकेंट गैप एंड आई हैव होप्स फ्रॉम दिस फिल्म. आई हैव होप्स फ्रॉम दिस फिल्म. सो आई वॉन्ट टू नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स. आई पर्सनली लव्ड इट, स्पेशली द म्यूजिक दैट वॉज यूज हियर एंड पंकज त्रिपाठी बींग इन द कास्ट एज द सेंट्रल कैरेक्टर मेक्स मी वेरी हैप्पी. यामी गौतम, आई थिंक शी इज अ लॉयर, जहाँ तक मुझे पता है शी इज वन ऑफ द लॉयर. आई शायद वो पंकज त्रिपाठी के खिलाफ लड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है. एनी वे, वी विल फाइंड आउट वंस द ट्रेलर ड्रॉप्स. सो ओ एम जी एंड गदर 2 रिलीजिंग ऑन द सेम डेट, लेट्स सी वॉट हैपन्स. आई होप बोथ द मूवीज डू वेल. एंड येस, दैट वॉज द रिएक्शन, दोज वर माई थॉट्स. आई एम गोना साइन ऑफ नाउ फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट वन. बाय.